लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना सीखा था, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या थे, वोलाटाइल थे। और उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, और होपफुली आप लोगों ने लेक्चर 9 का नोट्स भी बना लिया होगा और उसको अच्छे से आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। ठीक है, आज हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। यानी वेपर फेज में क्या मोल फ्रैक्शन है उसको हम लोग निकालेंगे। ओके, तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें सोल्यूशन भरा हुआ है, जिसके सरफेस के मॉलिक्यूल, ये सोल्यूशन है, जिसमें सोल्यूशन क्या है, ए और बी का सोल्यूशन है। तो सरफेस के ए बी ए बी ए बी के ये मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो ये कौन सा फेज है, लिक्विड फेज है, और एक क्लोज कंटेनर है, तो जाहिर सी बात है कि इसके वेपर्स भी होंगे मॉलिक्यूल के। तो ये जो ए बी ए और बी, ये क्या है, दीज आर द वेपर फेज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो जैसे एक्स से, व्हाट इज एक्स से, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसमें, इन लिक्विड फेज। तो एक्स बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। तो अब यहाँ वेपर में भी तो ए और बी है, तो हमने लिखा वाई ए, वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो लिक्विड फेज में हम मोल फ्रैक्शन को एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को वाई से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ एक सोल्यूशन है, तो इसका प्रेशर जो पी है, टोटल प्रेशर पी है, जो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यही तो आपका क्या है, ये आपने पढ़ रखा था राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद आ रहा हो, तो आपने पढ़ रखा था क्या कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज टोटल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है गैसीय स्टेज में, वाई ए। सो आई कैन राइट वाई ए क्या लिख सकते हैं, पी ए अपॉन पी। इसी तरह से डाल्टन लॉ अगर हम बी पर लगाएं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या कहलाएगा, टोटल प्रेशर इनटू वाई बी, यानी वाई बी क्या होगा, पी बी अपॉन। तो इस तरीके से ये इन दोनों फॉर्मूले से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गया, यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे है ना, पी ए क्या है, पी नॉट ए एक्स, तो एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, और पी ए क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा, तो पार्शियल प्रेशर इनटू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज अपॉन पी नॉट ए, क्या ये लिख सकते हैं। ऐसे ही पी बी क्या होगा, पी नॉट बी एक्स एक्स बी, सॉरी एक्स बी क्या होगा, पी बी अपॉन पी नॉट बी, और पी बी क्या ले सकते हैं, टोटल प्रेशर इनटू वाई बी
अपॉन, तो इतना तो एक्स ए और एक्स बी मैंने इस फॉर्म में लिखा। इसका देखिए मेन एम क्या है कि क्या मैं ये लिख सकता हूँ, हमें पता है मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होता है किसी भी स्पेसिफिक पेज में सारे कंपोनेंट का वो क्या होता है, वन। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, ये बात समझ ही रहे हैं। तो ऊपर से मैं एक्स ए को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से एक्स ए उठा लीजिए और ये उठा लीजिए एक्स बी। तो एक्स ए क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा पी इंटू वाई अपॉन पी नॉट ए, एक्स बी क्या होगा पी इंटू वाई बी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू वन। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब ये पी उधर लेके चले जाइए तो बन जाएगा वन बाई पी इज इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। तो एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया जो किस किसके बीच में रिलेशन है, टोटल प्रेशर और वाई ए और वाई बी के बीच में रिलेशन है, ठीक है ना। और अगर हम ऐसे लिखें पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इस फॉर्मूले में पी के बीच में एक्स ए और एक्स बी का रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा जिसमें प्रेशर टोटल प्रेशर का रिलेशन सीधे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी इन वेपर फेज का डायरेक्ट हमारे पास ये रिलेशन है। तो वाई ए और वाई बी अगर हमको दे दे तो सीधे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे। तो एक ये बात हो गई चौ, ठीक है ना। अगली बात कि वाई ए अपॉन वाई बी, वाई ए क्या है तो पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी, और वाई बी क्या है पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी। तो पी से पी कैंसिल, तो क्या बच जाएगा पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ना। ऊपर देखिए यहाँ से हम लोगों ने ये वाई ए और वाई बी निकाल रखा है, वाई ए पी अपॉन पी, वाई बी पी बी अपॉन पी। तो वही सीधे लिख दिया कि वाई ए क्या है पी ए, तो पी ए मतलब पी नॉट एक्स ए, पी ए मतलब पी नॉट एक्स ए, और पी मतलब पी नॉट बी एक्स पी अपॉन पी अपॉन पी। तो पी से पी कैंसिल हो गया, तो वाई अपॉन वाई बी क्या हो जाएगा पी नॉट एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी। तो अगर ठीक है ना, तो वाई अपॉन वाई बी का रेशियो क्या होगा पी नॉट एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो इस पर भी लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर हम एक ग्राफ बना लें, इस ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन पे ग्राफ बना लें, तो हमने वाई एक्सिस पे रख दिया वन बाई पी और एक्स एक्सिस पे रख दिया क्या वाई ए। तो वन बाई पी और ये वाई ए के बीच में ग्राफ है, तो वाई ए कहाँ है 0 से लेके कहाँ तक जाएगा 1 तक, बात समझ आ रही है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें वन बाई पी इज इक्वल टू, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है वन बाई पी इज इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी, इसी का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। तो वन बाई पी वर्सेस वाई ए, तो जब वाई ए क्या है 0 है, तो वन बाई पी की वैल्यू क्या होगी, वन बाई पी की वैल्यू क्या होगी वन अपॉन पी नॉट बी। हमने मान क्या रखा है कि पी नॉट ए क्या है ग्रेटर देन पी नॉट बी है, इसका मतलब कि वन अपॉन पी नॉट ए क्या होगा लेस देन अपॉन पी नॉट बी। तो ये हो गया ऐसे ही, जब वाई ए वन होगा, तो जब वाई ए वन होगा तो वाई बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी वन बाई पी वैल्यू वन अपॉन पी नॉट ए। तो ऐसी कुछ वैल्यू बन जाएगी यहाँ कहीं। तो ये ग्राफ हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं ये, और ये वैल्यू कितनी है, जैसे अगर इसको हम ऐसे, तो ये वैल्यू कितनी है वन अपॉन पी नॉट ए। तो एक लीनियर डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा बिटवीन वन बाई पी यानी रेसिप्रोकल ऑफ वेपर प्रेशर और वाई ए के बीच में। यहाँ तक क्लियर,
और अगर यही ग्राफ अगर हम प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज अगर निकालें, तो आपको पता है कि ग्राफ कैसा है, एक इन्वर्सली रिलेशन है वेपर प्रेशर और वाई के बीच में इन्वर्सली रिलेशन है। तो जब वाई ए जीरो होगा तो वैल्यू कितनी होगी, पी नॉट वी, और वाई ए जब वन होगा तो वैल्यू कितनी होगी, पी नॉट ए। और ये रेसिप्रोकल ग्राफ है तो इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ क्या होगा, ये सब बनेगा। तो ये ग्राफ किसके बीच हो गया, दिस इज ग्राफ बिटवीन पी वर्सेस वाई ए एंड दिस इज ग्राफ बिटवीन वन बाई पी वर्सेस वाई ए। ठीक है, तो जैसे पूछ सकता है कि कैसा ग्राफ होगा वन बाई पी वर्सेज वाई ए का, तो लीनियर डिक्रीजिंग, और पी वर्सेज वाई ए ग्राफ क्या होगा, तो ये इंक्रीज कर रहा है, और कैसे कर रहा है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से ये आपसे ग्राफ का रिलेशन पूछ सकता है, कहीं कोई दिक्कत। तो ध्यान देना, ये ग्राफ किसके बीच में है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन बट इन वेपर फेज। और पहले जो ग्राफ बनाया था पिछले लेक्चर में वो क्या था, वेपर प्रेशर और एक्से मतलब मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज के बीच में क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था। यहाँ तक क्लियर? अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है कि कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, और इसमें सोल्यूशन है जिसमें ए प्लस बी, ठीक है, दे रखा है मोल ऑफ ए 3 और मोल ऑफ बी इज 5, ठीक है, और पी नॉट ए वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट ए इज गिवन एज 200 mm ऑफ एच जी, और पी नॉट भी दे रखा है 300 mm ऑफ एच जी, ये आपको दे रखा है, इतनी बात है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट पहला पार्ट, ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है कि वाई ए और पहले एक्स ए बताइए, एक्स बी बताइए, वाई ए बताइए और वाई बी बताइए, ये चार चीज पूछ रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो एक्स ए तो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन तो दे ही रखा है, क्या एक्स ए क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी समझ ही रहे हैं आप लोग, 3/8। तो एक्स बी क्या होगा, 1 - 3/8, यानी कि 5/8, ठीक। फिर तीसरा जो पूछ रहा है वाई ए, तो वाई ए निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो वाई ए इक्वल टू क्या होता है, तो पी ए बाई पी, अब पी ए तो पी ए क्या होगा, तो हम पहले पी ए निकाल लें, तो पी ए क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है ना, पी ए पी नॉट कितना दे रखा है 200, और एक्स ए कितना है, अभी निकाला एक्स हमने 3/8, यानी कि 600/8, और पी टी क्या होगा, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स ए। तो पी नॉट ए क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स अभी हम निकाल ही लिया है 600/8, और पी नॉट बी कितना दे रखा है, तो पी नॉट बी दे रखा है 300, तो 300, और एक्स बी कितना है, तो 5/8, यानी कि ये जो 1500, तो 600/8 प्लस 1500/8, यानी टोटल प्रेशर जो होगा वो 2100/8 mm ऑफ एच जी, कोई दिक्कत। तो वाई ए वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना है 600/8, टोटल प्रेशर कितना है 2100/8, उत्तर क्या आ गया 6/21, ठीक है ना, या 3 इसको काट लेंगे तो 2/7, 3 × 6 = 321, तो ये वाई ए आ गया। तो एक इतना लंबा छोड़ा है हमारे पास, कोई दिक्कत। और जब वाई ए आ गया तो जाहिर सी बात है वाई बी तो क्या होगा,
वन माइनस वाई ए यानी वन माइनस टू बाई सेवन यानी कि उत्तर हो जाएगा 5/7। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने वाई ए और वाई बी निकालने, यहाँ तक क्लियर। अब इसको निकालने का थोड़ा और आसान तरीका क्या है कि जैसे अभी हमने एक मेथड क्या देखा था, याद करिए कि वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू मैंने बोला था पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी, ये बोला था। तो पी नॉट ए कितना दे रखा है 200, एक्स ए कितना है तो 3/8, पी नॉट बी कितना है 300 और ये कितना है 5/8, तो ये 8 से 8 कट गया तो उत्तर कितना हो जाएगा सीधे सीधे 3 से 3 कट गया यानी कि 8 से 8 काट दीजिए 6/2/5 क्या गया 2/5, कोई दिक्कत। तो 2/5 का मतलब यह आ गया वाई ए बाई 2/5, इसका मतलब वाई ए कितना होगा। तो यानी कि जब ये 2 है, एक और आप समझिए कि वाई ए अपॉन वाई बी, वाई ए अपॉन वाई बी को मैं लिख सकता हूँ ना एन ए अपॉन एन बी, वो भी वेपर फेज वाला। तो ये 2/5 है यानी वाई ए क्या होगा, एक तरह से 2/2+5 यानी कि 2/7। तो वाई बी क्या होगा, हो जाएगा 5/7। तो देखिए ये भी 2/7 आ गया वाई की वैल्यू, यहाँ भी वाई की वैल्यू कितनी 2/7 है। तो समझ में आ रहा है। तो इस मेथड से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से क्या हो जाएगा, वाई और वाई को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो चाहे आप इस तरीके से करिए चाहे आप इस तरीके से करिए, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल ऐसा ही। अगेन एक कंटेनर है, इसमें ए और बी क्या है, प्रेजेंट हैं। मोल ऑफ ए कितना है 5 है, मोल ऑफ बी कितना है 7 है, पी नॉट ऑफ ए कितना है 100 mm है ऑफ एच जी, पी नॉट ऑफ बी कितना है 105 mm ऑफ एच जी, और आपसे सीधे पूछ रहा है कि वाई ए और वाई बी यानी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बताइए सीधे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तो वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी नॉट ए अपन पी नॉट बी एक्स अपन एक्स बी को क्या मैं एन ए अपन एन बी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। एक्स अपन एक्स बी को क्या मैं एन ए अपन एन बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से पी नॉट ए कितना है 100 और ये कितना है 150, एन ए कितना है 5, एन बी कितना है 7, तो ये 3 हो जाएगा। तो अब क्या जाएगा 5/21, 5 नहीं 10/21, 100 50 थी 150, 10/21 ये वाई 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 बी का रेशियो आ गया। तो वाई ए क्या होगा, पहला पार्ट व्हाट इज वाई ए, तो 10/10+21 यानी कि उत्तर क्या जाएगा 10/31। तो वाई बी क्या होगा, तो वो तो सिंपल 1 - yA यानी कि 1 - 10/31 यानी कि 21/30। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है। ओके एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक कंटेनर है जिसमें ए और बी प्रेजेंट है और वाई ए दे रखा है 2/3, ठीक है ना, और वाई बी दे रखा है जाहिर सी बात है 1/3, ओके, और पी नॉट ए है 50 mm ऑफ एच जी और पी नॉट बी है 100
एम ऑफ एच जी। ओके, तो इधर वाई वाई दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल प्रेशर। ठीक है, तो अब एक क्या है कि वाई ए वाई बी के माध्यम से अब एक्स ए एक्स बी निकालेंगे, यानी अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे पी एच इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि आपको एक्स ए और एक्स बी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, पी नॉट ए पी नॉट बी दे रखा है। लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वाई ए, क्या हम लिख सकते हैं वन अपॉन पी इज इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी, ये भी तो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ बोल फ्रैक्शन पेपर पे, तो डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा वन बाई पी वाई ए 2/3 पी नॉट ए 50 और वाई बी 1/3 और ये कितना है 100, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं वन बाई पी इज इक्वल टू 2/150 प्लस 1/300 दैट इज 4+1/300, पी जो हो जाएगा वो 300/5 यानी कि 60 mm ऑफ एच। बात समझ में आ रही है? तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जब शायद सीधे हमारा क्या दे दिया हो वाई ए और वाई बी दे दिया हो, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है ना, तो हम लोगों ने सफिशियंट प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर ली है इन क्वेश्चन को करने के लिए। ओके ठीक है, अब ऐसे एक क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ बिटवीन 1/x वर्सेस 1/y। ठीक है ना, ग्राफ बनाना है किसके बीच में, 1/x वर्सेस 1/y के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक, इसको सॉल्व करना है तो हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, तो हमें एक्स ए भी चाहिए हमें वाई ए भी चाहिए, तो हम लिख सकते हैं ना राउंड स्लॉप पी एच इक्वल टू पी नॉट एक्स ए और वॉट इज पी एच इक्वल टू ऑल्सो पी टू इंटू वाई ए टोटल प्रेशर इंटू वाई ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया पी नॉट ए एक्स ए और पी टी इंटू वाई ए, यानी कि एक्स ए और वाई ए के बीच में रिलेशन आ गया। अब मुझे क्या रेसिप्रोकल चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू वन अपॉन टोटल प्रेशर इंटू वाई ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब मुझे ग्राफ किसके लिए चाहिए, एक्स ए और वाई ए के बीच में, लेकिन हमको पता है कि अभी भी पी टी में क्या है, एक्स ए का टर्म है, तो इसको एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं, ये तो एजिट लिखेंगे वन अपॉन पी नॉट ए एक्स ए, बट ये टोटल प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, पर लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इंटू वन अपॉन वाई ए, कहीं कोई दिक्कत। या हम फर्दर सिर्फ एक्स ए के टर्म लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, या क्या इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं टोटल प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ एक्स ए, तो इसलिए लिख सकते हैं ना इसको पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ओके, और ये हो जाएगा इंटू 1/y ए। ठीक है, कोई मुझे एक्स ए का टर्म बनाना, अब ये एक्स वाला टर्म पूरा इधर लेकर ले आए तो ये एक्स वाला टर्म इधर लगा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स इज इक्वल टू 1/y ए। तो एक अरेंज करिए तो एक आ जाएगा पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस ये क्या होगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स से एक्स कट जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा सिर्फ पी नॉट ए इज इक्वल टू 1/y। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से,
वाई एक्सिस में हमको क्या चाहिए, वन बाई एक्स, तो हम इसको फिर से अरेंज करें तो मैं लिख सकता हूँ ना पी नॉट बी अपॉन पी नॉट एक्स इज इक्वल टू वन बाई वाई ए, वन बाई वाई ए माइनस पी ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, कोई दिक्कत? अब मैं ले सकता हूँ वन बाई एक्स ए और ये उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक जगह पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इंटू वन बाई वाई ए माइनस पी नॉट से पी नॉट ए कैंसिल, तो क्या बचेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट बी। तो ये हमारा फाइनली एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, वन बाई एक्स है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, वन बाई वाई है। तो अगर इसका हम ग्राफ तो आपको दिख रहा है कि ये कैसा ग्राफ है, वन बाई एक्स है वर्सेज वन बाई वाई ए का ग्राफ क्या है, सिंपल, ये निगेटिव स्लोप है, ये निगेटिव वैल्यू तो होगी जो वन बाई ए जीरो होगा, ठीक है ना। तो एक लीनियर डिक्रीजिंग क्या है, तो आप इसको ग्राफ बनाएंगे तो सिंपल ये के लीनियर डिक्रीजिंग क्या बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, ओके। तो ये इस तरह का ये क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स वर्सेज वन बाई वाई के बीच में क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, ये ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पी नॉट बी है और ये क्या है, पी नॉट है, तो ये ग्राफ हो गया। और ये वेपर प्रेशर और एक्स का ग्राफ है इन वेपर फेज, इन लिक्विड फेज। और अगर ये वेपर फेज का हो तो वेपर फेज में हमने प्रेशर और वेपर फेज का ग्राफ कैसे बनाया था, तो हम लोगों ने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था, ठीक है। ये वाई मान लीजिए और ये एक्स, तो ये कौन सा है, ये ग्राफ लिक्विड फेज का है पर्पल लाइन वाला, और ब्लू ब्लू वाला किसका है, वेपर प्रेशर का ग्राफ किसके, मोल फ्रैक्शन इन मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, और ये कौन सा है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो इसमें कुछ पॉइंट्स इन्होंने दे दिया कि जैसे पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, पॉइंट ये वहाँ पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट आपका एक पॉइंट डी है, और ये एक पॉइंट क्या है, ई है। ये पांच पॉइंट दे दिए, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो आपको बताना है कि पांचों पॉइंट किस फेज को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ऑल दिस पॉइंट रिप्रेजेंट विच फेज, ओके। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं आंसर इसका। तो जैसे इस ग्राफ में जो पहला जो ग्राफ है, ये जो पहला ग्राफ है ये वाला, तो ये किसके, ये किसका ग्राफ है, तो एक्स ए के रिस्पेक्ट में,
और फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज केस में। बात समझ आ रही है? तो इसके ऊपर जो है यानी ए जो पॉइंट है, पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए, इसके ऊपर लिक्विड फेज का ग्राफ है, तो इसके ऊपर वाला जो ग्राफ है ये किसका है? ए इज लिक्विड। ए क्या है? लिक्विड। बी जो पॉइंट है, बी बिल्कुल क्या है कि पहली बार क्या हो रहा है, बबल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बबल पॉइंट। सी जो है वो लिक्विड फेज और ये वेपर फेज, इनके बीच में, तो सी आपका क्या है? लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम है। पॉइंट डी जो है, अब ये डी जो पॉइंट है, यहाँ क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, लास्ट पॉइंट वाला है, तो ये आपका क्या है? ड्यू पॉइंट। और जो ई है, ये पूरा का पूरा क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है, यानी कि दिस इज योर वेपर फेज। ठीक है ना? तो इस ग्राफ से क्या ही ग्राफ समझ में आ रहा है कि इस वाली लाइन के ऊपर ये जो पर्पल लाइन है, इसके ऊपर क्या है? लिक्विड फेज है, और ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे क्या है? ये आपका वेपर फेज है, और जो बाउंड्री पर क्या है? बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट, और इन बिटवीन क्या होगा? इन बिटवीन ही आपका लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक ओके? ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन, आफ्टर कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, तो क्या होता है, समझते हैं इस बात को। कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास कंटेंट है, कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन है, जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी क्या है? एक्स और एस बी है। ठीक, अब ये वेपराइज होगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा वेपर फ्लेम में? वाई और वाई बी, इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया कि हमने इस कंटेनर में इस तरह से इनलेट लगा दिया, आउटलेट, और इसको हमने एक दूसरा जो कंटेनर है उसके साथ इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, और यहाँ पे हमने एक लगा दिया, इसका नाम क्या है? कंडेंसर। ठीक है, तो इसमें चूंकि वेपर है, तो वेपर क्या करेगा? इधर की तरफ मूव करेगा। और कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंसर का काम क्या है? वो वेपर को लिक्विड में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ये काम कंडेंसर का है। तो ये जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन वन, तो अगला जो क्या बना? सोल्यूशन टू बना। तो सोल्यूशन टू में ये कंडेंस होकर इधर आया, तो मान लीजिए उसका कंपोजिशन क्या है? एक्स डैश ए और एक्स डैश बी। ठीक है, इसी से कंडेंस होकर जो लाया मैंने, वाई और वाई बी को कंडेंस किया। और फर्दर यहाँ क्या होगा, चूंकि ये वोलाटाइल है, फिर ये वेपराइज होगा और वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो ये बन गया वाई डैश ए और वाई डैश बी। यहाँ तक क्लियर? तो पहला जो है ये है, ये आपका ओरिजिनल सोल्यूशन है, और जो दूसरा है इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे फर्स्ट कंडेंस। ठीक है ना? तो एक तो ये बात है। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है, क्या बातें हैं कि पहला एक्स डैश ए जो है वो बेसिकली वाई है, तो है क्योंकि यही तो कंडेंस हुआ, और एक्स डैश बी जो है वो क्या है? वो वाई बी के बराबर है, यानी कि सेकेंड कंटेनर में जो चीज़ें हैं वो वाई और वाई बी हैं बेसिकली। ठीक
ओके, कहीं कोई दिक्कत? तो हमारा एक्स डैश और एक्स डैश भी तो पता चल गया। अब हमसे कोई पूछेगा, भाई आप मुझे वाई डैश ए और वाई डैश बी बताइए, तो वाई डैश क्या होगा? तो हमने क्या बड़ा फॉर्मूला, पी नॉट ए एक्स डैश ए अपॉन पी नॉट बी एक्स डैश बी, ये देख सकते हैं। और एक्स डैश ए और एक्स डैश बी किसके बराबर है? वाई और वाई बी के। तो लिख सकते हैं ऐसे, पी नॉट ए वाई ए अपॉन पी नॉट बी वाई बी। तो इस तरीके से हम लोग एक कंडेंसेशन के बाद क्या है, क्या है एक्स डैश और एक्स बी, क्या है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और वाई डैश भी क्या है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत? फिर से समझा देता हूँ कि हमारे पास एक ओरिजिनल सोल्यूशन है जिसमें ए और बी दो ए और बी से बना एक सोल्यूशन है जिसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी लिक्विड फेज में है और वेपर फेज में वाई ए और वाई बी है। अब एक कंडेंसर लगाकर, एक कंडेंसर लगाकर मैंने क्या किया, सोल्यूशन ओरिजिनल सोल्यूशन के वेपर फेज वाले मॉलिक्यूल को कंडेंस करके यहाँ पर क्या कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। और मान लिया अब लिक्विड का कंपोजिशन क्या है, एक्स डैश ए और एक्स डैश बी है, फर्दर वेपराइज होंगे तो वेपर फेज में कितना जाएगा, वाई डैश ए और वाई डैश बी एट इक्विलिब्रियम। तो ये एक्स डैश ए एक्स डैश बी कहाँ से आया, तो ए और बी जो वाई और वाई बी तो इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश ए इज इक्वल टू वाई ए और एक्स डैश बी इक्वल टू वाई बी, एक तो ये लिख लिया। फिर हम लोग सेकेंड कंटेनर का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने के फॉर्मूला यही था ना कि वाई डैश अपन वाई डैश बी क्या होगा, इस पर लगाइएगा तो सेकेंड कंटेनर पे तो क्या होगा, पी नॉट ए एक्स डैश ए अपॉन पी नॉट बी एक्स डैश बी, और एक्स डैश बी क्या है वाई और वाई बी है, तो क्या बनेगा, पी नॉट ए वाई ए पी नॉट बी वाई। तो इस तरीके से हम लोग आफ्टर वन डिस्टिलेशन या फर्स्ट कंडेंसेट का मोल फ्रैक्शन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन ही देख लीजिए आप, कि एक कंटेनर है जिसमें ए और बी है और ए और बी का जो लिक्विड फेज में मोल कितना है, दो है और बी का तीन है, और पी नॉट ए 200 mm Hg है और पी नॉट बी 300 mm Hg है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इन ओरिजिनल ओरिजिनल सॉल्यूशन, यानी कि ये ओरिजिनल सॉल्यूशन ही तो है, और दूसरा है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इन फर्स्ट कंडेंसेट, यानी कि पहला कंडेंसेशन के बाद। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं आंसर, तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन में कैसे निकालेंगे, तो वाई ए अपॉन वाई बी क्या होगा, वो होगा पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी, और या लिख सकते हैं पी नॉट ए एन ए अपॉन पी नॉट बी एन बी, कोई दिक्कत, एक्स अपन एक्स बी को एन अपन एन बी लिख सकते हैं। पी नॉट ए कितना है 200, पी नॉट बी कितना है 300, एन ए कितना है 2, एन बी कितना है 3, तो वाई ए अपॉन वाई बी कितना आ गया 4/9। तो वाई ए कितना होगा बताया था 4/13 और वाई बी कितना होगा तो 9/13, कोई दिक्कत, यहाँ से कर लेंगे। अब दूसरा पूछ रहा है कि फर्स्ट कंडेंसेट में क्या होगा, तो उस केस में एक्स डैश ए ही तो वाई ए होगा, और वो कितना है 4/13, और एक्स डैश बी क्या होगा लिक्विड फेज में सेकेंड वाले में, तो 9 ही क्या होगा वाई बी होगा, और वो कितना होगा 9/13। अब इस फर्स्ट कंडेंसेट के वेपर फेज यानी कि वाई डैश ए और वाई डैश बी निकालना, तो वाई डैश ए अपन वाई डैश बी क्या होगा, तो वही फॉर्मूला पी नॉट ए एक्स डैश ए अपॉन पी नॉट बी एक्स डैश बी, और एक्स डैश तो पी नॉट ए कितना वही 200/300, और एक्स डैश ए और वाई इजक्वल टू वट वाई ए, तो हम लिख सकते हैं वाई ए बाई वाई बी,
और वाई कितना है, 4/13, वो क्या 9/13, तो क्या हो जाएगा 2/3 × 4/9, आपस में कट जाएंगे 13 13, तो उत्तर क्या आएगा, वाई डस ए वाई डस बी इक्वल टू कितना का 8/27। तो वाई डस ए कितना होगा 8/35, और वाई डस बी कितना होगा, कितना होगा 27/35। आगे समझ में, तो इसमें क्या था कि हमने एक ओरिजिनल सॉल्यूशन का पहले क्या निकाला, ओरिजिनल सॉल्यूशन का वही है 4/13, तो क्या निकला, ओरिजिनल सॉल्यूशन का ये 4/13 है वाई और वाई बी, और जो फर्स्ट कंडेंसेट है उसमें जो मोल फ्रैक्शन क्या है इन वेबर फेज, 8/35 और 27/35। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। अगेन क्या, एक कंटेनर है, ए और बी सॉल्यूशन है, मोल ऑफ ए वन है, मोल ऑफ बी टू है, पी नॉट ए 50 है, पी नॉट बी 100 है, ठीक है। अब पूछ रहा है कैलकुलेट फर्स्ट एक्स ए एंड एक्स बी, सेकेंड वाई ए एंड वाई बी, थर्ड एक्स डैश ए एक्स डैश बी, फोर्थ वाई डैश ए वाई बी, ठीक है। एक्स ए एक्स बी, तो अब सॉल्व करिए, तो एक्स बे एक्स ए एक्स बी क्या है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन ओरिजिनल सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज, और ये क्या है इन वेपर फेज, और ये डैश वाले क्या हैं फर्स्ट कंडेंसेट वाले। तो एक्स ए क्या होगा पहला पार्ट, 1/3, एक्स बी क्या होगा 2/3, तो वाई ए भाई वाई बी क्या होता है, तो पी नॉट ए एक्स ए फॉन पी नॉट बी एक्स बी, तो वो कितना हो जाएगा 50/100, और एक्स अपन एक्स बी कितना होगा 1/2, कितना हो गया तो 1/4, तो वाई ए क्या होगा 1/5, तो वाई बी क्या होगा 4/5, ठीक। अब एक्स डैश ए तो वही तो वाई ए है 1/5, एक्स डैश बी वही तो वाई बी है 4/5, चौथा वाई डैश, तो वाई डैश ए वाई डैश बी ही क्या होगा, क्या होगा, तो पी नॉट ए एक्स डैश ए पी नॉट बी एक्स डैश बी, पी नॉट ए और पी नॉट बी कितना है, तो 50/100, एक्स डैश ए और एक्स डैश बी क्या होगा, तो हो जाएगा 1/4, उत्तर कितना हो जाएगा 1/8, कितना हो जाएगा 1/8, तो वाई डैश ए वाई डैश बी 1/8, वाई डैश ए क्या होगा 1/9, और वाई डैश बी क्या होगा 8/9, ठीक है। ओके, थैंक यू।